मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भिंड एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राज्य सरकार को बर्खास्त करो के नारे भी लगाए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया। सरकार गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट साथ नहीं देते तो क्या सरकार गिर सकती थी? इस तरह की आवाज मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक ऑडियो में सुनी जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जांच कराए जाने की मांग भी की है। इसको लेकर भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराए जाने की मांग की है। ये जिला कांग्रेस पार्टी ने अभी ज्ञापन दिया, किस मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया है? ऐसा है, अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावेर में एक बात का खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई गई थी वह सरकार केंद्र के आदेश से, अमित शाह मोदी के आदेश से गिराई गई। जब वहां से आदेश हुआ किसी प्रकार से सरकार गिराओ तो मध्य प्रदेश के चंद नेता यहाँ पर खरीद फरोख्त में लग गए और धन बल के आधार पे किस तरह सरकार गिराने का काम किया, ये प्रजातंत्र मूल्यों के खिलाफ है। भाजपा के कुकृत्य प्रजातंत्र की सभी संस्थाएं भयभीत है। शिवराज सिंह सरकार को जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये खरीद फरोख्त के द्वारा जो भी कांग्रेस से 22 विधायक तोड़े गए उनके द्वारा सरकार बनाई गई, ये अनैतिक कार्य है।